नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ न्यूज़ है, कुछ अच्छी खबर है वेस्ट बंगाल के स्टेट के रिगार्डिंग। तो इस साल वेस्ट बंगाल के स्टेट में 5 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाले हैं। ये 5 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे 2019 के एकेडमिक ईयर से। ये सभी जो है वेस्ट बंगाल के स्टेट में है और इसके लोकेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो दे विल कम एट डायमंड हार्बर, पुरुलिया, रामपुर हाट, रायगंज एंड कूचबिहार। ये 5 जगह पर 5 कॉलेज शुरू हो जाएंगे इस साल। और यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, अब बस मेन चीज बाकी रहती है MCI के परमिशन और अप्रूवल, जिसके बाद इस साल से इन सभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। अच्छी खबर यह है कि ये सभी स्टेट गवर्नमेंट से बाहर है, यानी ये सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहेगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मतलब रहता है कि यहाँ जो फीस जो है काफ़ी कम रहेगी, पढ़ाई जो है काफ़ी अच्छी लेवल की रहेगी, टीचर्स की कमी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या होता है कि इन सभी कॉलेज में 100 सीट्स रहती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इन सभी को MCI का परमिशन मिल जाता है और इसके बाद 100 से 150 सीट्स हो जाएगी, 150 से 200 सीट्स हो जाएगी और ऐसा करके फाइनली 250 सीट्स हो जाएगी इन सभी मेडिकल कॉलेज में। अभी जो है इस कॉलेज में 100 MBBS सीट्स हैं, 5 कॉलेज रहेंगे तो टोटल मिलाकर 500 MBBS सीट्स इंक्रीज होने वाली है वेस्ट बंगाल के स्टेट में। इनिशियली वेस्ट बंगाल के स्टेट में 2600 मेडिकल सीट्स हैं, अब यहां पर 500 सीट्स इंक्रीज हो गई है तो टोटल जो है 3100 सीट्स जो है हो जाएंगी वेस्ट बंगाल के स्टेट में। तो ये अच्छी खबर मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।